को इस अभीक्षा के साथ, इस भाव के साथ आप लोगों को देखते हैं कि यहाँ से एक ऐसी शुरुआत होने वाली है जो न जाने हजारों लाखों कितने लोगों को दिशा देने वाली है। और वो जो समय है वो आज एक नए प्रयोग को लेकर के आपके घर पर आया है। अगले वर्ष का जो वर्ष है वो अभूतपूर्व कई दृष्टि से, ज्योतिषीय दृष्टि से, खगोलीय दृष्टि से, हर दृष्टि से जो अगला वर्ष है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। 83 वर्ष की बात ऐसा हो रहा है कि 11वें वर्ष में हरिद्वार का पूर्ण कुंभ पड़ रहा है। और जब जब ऐसा हुआ है तो उससे जो एक वर्ष पहले का समय है उसमें या तो विश्व युद्ध छिड़े हैं, महामारी आई, तो 2020 में हो गया, 2021 में पूर्ण कुंभ आ रहा है। और पूर्ण कुंभ के साथ साथ शांति कुंज की स्थापना के 50 वर्ष बने जा रहे हैं, तो सामान्य वर्ष तो है। और इस सामान्य वर्ष में जब हम लोग देखते हैं कि सामान्य वर्ष में चुनौतियां जो है हम लोगों के पास वो भी असाधारण, कोरोना फैला हुआ है, संक्रमण का दौर है, ऐसे समय में हो सकता है कि बहुत सारे लोग हरिद्वार नहीं पहुंच पाए, तो गुरुदेव ने क्या प्रेरणा दी? गुरुदेव ने कहा कि हरिद्वार के सब लोग नहीं आएंगे तो हरिद्वार को लोगों के घर जाने की आवश्यकता है। तो हम लोग क्या करके आए? हम लोग हरिद्वार को आपके घर लेकर के आए। आज जो है जावत के द्वार पर हरिद्वार आ गया, गंगा जी भी आ गया, गुरुदेव माता जी भी आ गए, देव स्थापना भी हो गई, ऋषि सत्ताएं भी आ गई। अब आप ये सोचो कि यहाँ पर गंगा माता का अवतरण हो रहा है, यहीं पर भगीरथ बैठे हैं, यहीं पर गंगा माता आज आ रही है। अब आगे का काम क्या करना है? आगे का काम यही करना है कि आप लोगों को घर घर तक गंगा को लेके जाना है, आप लोगों को घर घर तक गुरुदेव माता जी को ले जाना है, घर घर तक जो है एक बार गुरुदेव माता जी को स्थापित करना है। आप बड़ा मत सोचना, छोटा ही सोचना, ये सोचना है कि 25 घरों तक यदि हम ले गए और 100 लोग यहाँ पर बैठे हैं तो 2500 घरों तक तो पहुंच ही गए ना। हर व्यक्ति यदि अपनी जिम्मेवारी को पूरा कर दे तो न जाने कितने घरों तक हम लोग पहुंच जाएंगे। एक वर्ष का समय 25 नए लोगों के घर तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त, आराम से पहुंचाइए, अच्छी भावना के साथ पहुंचाइए, हर घर तक यज्ञ पहुंच जाए, हर घर तक संस्कार पहुंच जाए, हर घर तक गंगा पहुंच जाए, हर घर तक हरिद्वार पहुंच जाए। इतना ही अपन लोगों का संकल्प है कि इस वर्ष में बड़े कार्यक्रम नहीं करने हैं, छोटे कार्यक्रम करने हैं पर सटीक कार्यक्रम करने हैं, ऐसे करने हैं जिनके माध्यम से आदमी के अंदर भावना अच्छी आए, सोच अच्छी आए, चिंतन अच्छा है। और जब आप साल के अंत में बैठे हो तो आपके मन में गर्व और गौरव हो कि अरे वही व्यक्ति था जिसको अपने साल की शुरुआत में गलत काम करते देखा था और आज इसके साथ घर में बैठ करके खाना खाते हुए बड़ा अच्छा लगता है। बस आप यही सोचना, आप ये मत सोचना कि उसके घर तक हम लोगों को भगवान को पहुंचाना है, उसके घर तक हमें देवी चिंतन को पहुंचाना है, उसके घर तक हमें अच्छी भावना को पहुंचाना है। साल की शुरुआत हुई तो व्यक्ति अलग होना चाहिए और साल का अंत हुआ तो व्यक्ति अलग होना चाहिए। बस ऐसे लोग आप तैयार कर दीजिए। तो आज जो है यहाँ पर हम लोग सिर्फ हॉल की स्थापना के लिए आए, आज जो है हम लोग सिर्फ यहाँ पर कक्ष की स्थापना के लिए आए, और एक दिन वो होगा जब हम जावत में इसलिए आएंगे क्योंकि जावत जो होगा वो मालवा का और मेवाड़ का तीर्थ बन जाएगा। लोग कहेंगे अच्छे इंसान आपको देखना है तो आप कहाँ जाओ? जावत जाओ। बोले आपको अच्छे लोग देखने हैं तो कहाँ जाओ? जावत जाओ। बस आप यही सोचो कि पूरे क्षेत्र के अंदर ऐसे लोग तैयार करके देने हैं कि जिनकी मिसालें लोग दें कि साहब अच्छे लोग कहीं पर हैं तो जाओ। बस वो तैयार करने की जिम्मेवारी आपकी है और ये सारी चीजें पूरी गुरुदेव माता जी का आशीर्वाद आप पर अहर्निश बरसे, माँ गायत्री की कृपा आप पर अक्षुण्ण बनी रहे, यहाँ पर देवी चेतनाओं की उपस्थिति आप लोग महसूस कर सके और उनके सानिध्य में आपके जीवन के सारे कष्ट संकट दूर हो सके, ऐसी शुभकामनाएं, ऐसी मंगलकामनाएं।